सिंह को छुआ कि भाई आज जो है ना हमारे लिए और हमारे पूरे खानदान वालों के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजफुल और खुशी का दिन होने वाला है। वीडियो बन गया गाइस। गाइस ये दोनों लड़ रहे थे शेफ, अगर ये डली ना दिखावे के लिए ना मैं तो डाल लेती। मेरे जो फैंस है ना वो बोलते हैं कि आप चची खाना बहुत अच्छा बनाती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती है। अभी जानते पापा के साथ मूवी थी ना, वही पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ यही क्या डाल लिया, पटाटो पोटैटो होता है। चलो चले आज जो है ना हमारे लिए और हमारे पूरे खानदान वालों के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजफुल और खुशी का दिन होने वाला है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस खुशी को हम आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो गाइज हमारे लिए जो है ना आज खुशी का ही दिन है, मतलब आज हमें माशाल्लाह 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 बुरी नज़रों से बचाया। तो भाई स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि भाई हमें क्या क्या और कौन कौन सी खुशी मिली। तो पहली खुशी यही है कि हम लोग जो है ना हमारे घर पर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, और वो जो गेस्ट हैं हम आपको दिखाने वाले कौन होने वाले हैं। तो भाई उसके लिए हमने जो है ना देख तैयार करनी है। तो भाई हमारी जितने ऐसे थे हमने उतना ही काम लिया। तो अभी जो है ना मम्मा और पापा जो है ना सामान वगैरह लेने गए हैं और सामान वगैरह में हमारा राशन आने वाला है जो हम देख कंप्लीट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। अच्छा जी, तो हम बनाने वाले हैं छोले आलू की जो है ना देख बनाने वाले हैं। तो अभी जो है ना सामान वगैरह आ जाए, हम आपको बनाने का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा जगह वगैरह सब डिसाइड है कि भाई बिरयानी बनने वाली है। बिरयानी में जो है ना हम इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं छोले और आलू। दूसरी खुशखबरी आपको व्लॉग के लास्ट में मिलने वाली है और देखते हैं कि भाई खुशखबरी में क्या होने वाला है। जो सीन्स होते हैं हम आपको बताते हैं। सेकंड खुशखबरी के लिए आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड। यहाँ हो रही है हमारी देख तैयार, ठीक है। प्याज को करना है ब्राउन, लाइट ब्राउन, ठीक है। ये आ गई थी हमारी प्याज, यहाँ आ गई थी छोले। अच्छा हम बना रहे हैं छोले आलू की बिरयानी। हम कौन सी बिरयानी बना रही है आज? छोले आलू। हमारी देख तैयार हो रही है यहाँ पर। ये रहे जी हमारे चावल और ये रहे छोले, ये बाकी सारी चीज़ें। अभी हम लोग कर रहे हैं प्याज को लाइट ब्राउन, ठीक है। तो हम तो चला लेते हैं, आज सब लेके काम करने वाले हैं पूरी फैमिली। ये आ गए जी हमारे टमाटर। टमाटर के अंदर हमने डाले ये कौन से पत्ते होते हैं? तेज पात के पत्ते ना। तो इसके अंदर हमने ऐड किया, ये कितना है, ये इतने हिसाब से क्वांटिटी से आप लोग इसके अंदर ऐड कर लो टमाटर के अंदर। टमाटर कितने थे ये और प्याज कितनी थी? टमाटर 1 किलो। 1 किलो टमाटर और 1 ही किलो प्याज। वाह, इसको लाइट ब्राउन कर लेते हमने बन रही थी। तेज पात पत्तों के बाद हमने डालनी है बड़ी इलायची, इसके अंदर बड़ी इलायची दो। हाँ, और ये है गरम मसाला, इसको हटा दो। लकड़ियाँ वकड़ियाँ तो ख़त्म हो गई हमारे यहाँ। तो ये हम डाल थोड़ी सी काली मिर्च, सही खाएंगे यहाँ ना। काली मिर्च और कौन सी? और जीरा। ये जीरा आ गया भाई, हमारे घर का राशन भी ख़त्म हो गया। ये हो गया जीरा और इसी में ये डलेगा जायफल। ओके हो गया, जीरा और जायफल ऐड करना है। 2 चम्मच हमने जो है ना जीरे के ऐड किया और 2 जो है ना जायफल। चलो ये ब्राउन सी हो जाएगी, लाइट ब्राउन सी। चलो जी हम वेट करते हैं जी प्याज के लाइट ब्राउन होने का, तब तक ये समेट लो। यहाँ जो नहीं तो हरी मिर्च अलग रख लेती, अलग हरा धनिया अलग रख लेती, खुद कर लूंगी कर लूंगी। दिमाग खराब, अलग ही थी एक साथ थी, करना आता है मुझे। गाइस गाइस ये दोनों लड़ रहे थे शेफ, दिखाते हैं खाली। रिवील पापा का आज हमने रिवील कर दिया, वाह पत्थर वाह। तो भाई यहाँ जो है ना हम मम्मी पापा बना रहे चटनी, हरी मिर्च और ये क्या डाला भी सौंफ और साबुत धनिया। यहाँ चटनी बना रहे, पापा से पूछो ना। गाइस पापा जो है ना वीडियो के लिए इतने शोशे, वाह तुम चले आओ। पापा वीडियो के लिए शोशे मार रहे थे, फेस रिवील कर दिया आज मेरे आपके सामने। क्या करते हैं ये दिखावा करते हैं ये।
दिखाते हैं मैं बड़ा काम करता हूँ, सिर्फ दिखावा ही वरना ये मेरे से पीछे पीछे ना इतनी लड़ाई करते सामने सामने प्यार जताते देखे ये देखे सीधे हो गए बिल्कुल सीधे हो गए इन्होंने वाला वीडियो बन रही है दुनिया देख लेगी सीधे हो जाओ असलो खुल के असलो तो भाई ये हमारा ग्लाइंडर है अगर ये डली ना दिखावे के लिए ना मैं तो डाल कर लेती हिली नहीं रही अपनी जगह से हाँ तो हिलेगी ना जब ग्लाइंडर नहीं चलाना था मेरे हाँ। जो फैंस है ना वो बोलते हैं कि आप चच्ची खाना बहुत अच्छा बनाती है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती है हाँ। अभी जानते पापा के साथ मोहे में किया ना वही पूरी दुनिया ने देखा है हाँ यही पापा के साथ गई मम्मा ने मोहे में किया अच्छा जी बन जाती तो यहाँ बताती हूँ अदरक डाल रही हूँ मैं चाहिए दो टेबल स्पून हरी मिर्च प्याज हो गई थी हमारी गोल्डन ब्राउन जी ठीक है गाइस हमारी हो गई थी प्याज गोल्डन ब्राउन उसमें हमने डाल दिया दो चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट हाँ जी तो भाई हमारी देख तैयार होने में बस कुछ ही मिनट रह गए अभी बुनाई करेंगे हम अच्छे से तो भाई अभी जो हमने लहसुन अदरक डाला उसकी मिलके बुनाई करनी है और हमारी देख बनने वाली है आई एम सो एक्साइटेड हम पूरे घर वाले एक्साइटेड है देख बने तो हम आपको बताएं कि क्या करने वाले हैं बुनाई करते नहीं हम डालेंगे टमाटर ये प्यारे प्यारे गोल गोल पतले पतले चपटे चपटे खूबसूरत से रेड रेड टमाटर टमाटो इंग्लिश यू नो खाना पका लो इंग्लिश बाद में बता देना नहीं ना मेरे फैंस बोलते हैं आप चच्ची इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हैं आप ना इंग्लिश बोला करें तो मैं ये ना इसको छोटे छोटे बॉल्स चने छोटे छोटे बॉल्स अच्छा बताओ आज किसकी बिरयानी में आ रही हो छोले आलू की छोले आलू की वो दो हरी मिर्च भाई चिकन के अंदर जो ना प्रॉब्लम आ रही है आपको पता है क्या नाम उसका डेंगू वायरस चल रहा है इसलिए हम चिकन की नहीं बनाते अपने पास से वो खर्चे बचाने के लिए अपने पास है क्या डाल लिया पोटैटो पोटैटो होता है चलो चल पोटैटो हो या पोटैटो कुछ भी हो है पोटैटो कितने आलू लिए थे भाई 3 किलो 3 किलो आलू है बच्चे शौक से आलू खाते तो मैंने बोला आलू ही डाले थे सही ये आ गए हमारे 3 किलो आलू और पीछे खड़े इनके खालू चोर हो भाई नहीं बच्चों के बोल रहा हूँ मैं हाँ तो भाई हमारी जो बिरयानी की देख बनने वाली है वो बनने वाली है छोले आलू की समझ लो बात को छोले आलू की लाओ तो भाई जितना हमारा खर्चे में यू नो था उतना कर लिया इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चिकन की देख बनवाएंगे अभी हमारे पास जितनी जेब में खर्ची थी उसमें हमने बना लिया है जी समझ जा करो तो ये हम डाल रहे हैं जो हमने पेस्ट बनाया था ना ग्रीन चिली का वो इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च है हरी मिर्च है ग्रीन चिली स्पाइसी बना रही हो सुपर स्पाइसी बना रही हो या बस ऐसी नॉर्मल मिर्च वाली स्पाइसी बिरयानी छोले आलू की मासूम बच्चे ये हमारे इतने बड़े बड़े मैं और इतने बड़े बड़े और यहाँ से हमारी बस 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 सब आज ना पता है क्या दो दो तीन दिन खुशी के दिन है एक तो लास्ट में बताएंगे अभी नहीं बताना लास्ट में बताएंगे तो भाई आपको हम सीक्रेट रिवील करेंगे लास्ट में तो भाई आपने लास्ट तक ब्लॉग देखना है ठीक है जो भी इसके अंदर हम आपको बताएंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाला है हमें 3 दिन खुशियाँ मिली तो हम उसकी वजह से समझ लो कि हम ये सब कर रहे हैं ये जो है ना ये चने हमने एक दिन पहले उबाल लिए थे आप लोग देख रहे हो ठीक है ये एक दिन पहले उबाल लिए थे और जब हमने उबाले ना तो ये जल गए ये देखो मम्मा मुझ पर छोड़ के चली गई थी बाहर और तो ये जो है ना जल गए मुझसे तो अब जो है ना जो बचे थे मतलब जो सही थे वो हमने ऐड कर लिए बाकी जो वेस्ट हो गए वो वेस्ट हो गए तो मुझ पे नहीं काम छोड़ के जाएगा इसलिए कहा था माशाल्लाह बहुत बड़ी काम हो रही है तो भाई यहाँ मम्मा धो रही है बर्तन शर्तन बर्तन भी धो रही है इसमें थोड़ा सा पानी डाली ताकि आलू उगल जाए पुलाव है कि बिरयानी पुलाव बिरयानी भाई पुलाव में मिर्ची कब होगी स्पाइसी बिरयानी चलो जो बन जाए वही है हाँ, नाम बाद में रख लेंगे अच्छा चलो पहले बना लेते नाम बाद में रखेंगे
तो भाई यहाँ हम आ गए हैं, तो हमने करवाने जी कपड़े प्रेस अपने, तो मैंने मनाइल को बोला भाई मेरे जो है ना कपड़े प्रेस कर दो, और मनाइल जो है ना मेरे कपड़े प्रेस करने जा रही है, मैं इसको कपड़े देने वाली हूँ, ये कपड़े प्रेस करके देगी मुझे। ओए 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 इधर आ। तो भाई मनाइल जो है ना मेरे कपड़े प्रेस करेगी, क्योंकि रेडी शेडी भी होना है। अभी जैसी हालत थी, जैसी सो के उठे, तो मैंने बोला भाई जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी रेडी शेडी हो जाओ, मैं बिरयानी की देख बना रही हूँ, फिर जो भी आगे सीन्स है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले कपड़े वगैरह प्रेस करवाते हैं, रेडी शेडी होते हैं, जब तक बिरयानी तैयार हो रही, जब तक हम जो है ना रेडी शेडी होके खड़े हो जाते हैं, मेकअप शेकअप कर लेते हैं, फिर जो है ना आपको आगे के सीन्स बताते हैं। ये है मेरी कबर्ड, और मेरे कबर्ड में से हम निकालने वाले अपना ड्रेस, ठीक है। ये प्यारा सा जोड़ा हम निकालेंगे, इसको प्रेस करवाएंगे, ठीक है। ये रहा जी हमारा प्यारा सा जोड़ा मैरून कलर का, मैंने ये प्रेस कर देना, ओके। तो इसको वापस रख देते हैं इन सब चीज़ों को। तो भाई ये प्यारा सा जोड़ा जो हम पहनने वाले हैं, दिस इज़ माई आउटफिट, ठीक है। चलो जल्दी से प्रेस करो, मनाइल पूरी पब्लिक देख रही है तुम्हें, नहीं जल्दी आओ, तो समेट लेना ना, भी हम साथ मिलके समेट लेंगे, साथ मिलके समेट लेंगे, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी ये प्रेस करके दो। चलो जी हम लोग ने साथ साथ घर भी समेटना है, क्योंकि मेहमान भी आने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग जो है ना तैयार शहर होते हैं, मेहमानों के लिए घर सफाई वगैरह करते हैं, आप लोगों को भी शो करते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। तो अभी स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, प्रेस कर दे ये कपड़े, तो फिर हम जल्दी चेंज करें। गाइस इसको बोला करो यार मेरे काम कर दे, आप लोगों को पता है कितनी मेहनत करती है आपकी लड़की यार। तो भाई यहाँ मैंने जो है ना अपने कपड़े खुद प्रेस कर लिए थे, मेरे कपड़े प्रेस हो गए, मेहरून कलर का आपकी बैंक का जोड़ा होने वाला है। शावर वगैरह लेते हैं, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, और क्या सीन्स है मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अच्छा जी, शावर लेने से पहले मुझे जोड़ा सिरी करना था, मैं कर चुकी हूँ, डन हो गया, ठीक है। और शावर लेने के बाद जो है ना प्यारा सा एकदम रेडी होना है हमने, ठीक है। और फिर जो है ना हमारे मेहमानों का आने का टाइम भी होने वाला, तो जल्दी जल्दी से झटपट जाते हैं, रेडी शेडी हो जाते हैं, रेडी शेडी होने के बाद आपको मिलते हैं। गाइस ये कब से बोल रही है, नहाने जा रही आधे घंटे से, अभी तक नहाने नहीं गई, ओए चुके लोग बना रही है। तो भाई आपको पता है कि घर में काम इतना है, हम लोगों को भी लग के करना पड़ रहा है, और बिरयानी अम्मा को बना रहे, तो भाई हेल्प हम लोगों ने भी करनी है। तो अब जो है ना फाइनली मैं जा रही हूँ, 6 बजने वाले हैं, और इंशाल्लाह आधे घंटे में शावर लेके मैं फ्री हो जाऊंगी, और जैसे हम शावर लेकर आते हैं आपको फुल रेडी होके दिखाते हैं कि भाई क्या सीन है, तो सस्ती सी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको मिलता है। तो भाई ये है जी आपकी कराची की लड़की की सस्ती सी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी, देख रहे हो आप लोग, आई एम थोड़ी लाइक प्रिंसेस, कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो भाई ये हम लोग रेडी हो चुके हैं दावत के लिए, ठीक है। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी देह तैयार हो, देख तैयार होने के बाद जो है ना हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे, ठीक है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ देख के तैयार होने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे चावल रेडी होते हैं हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं, और फिर खाना शाना लगाते हैं, और हम भी रेडी शेडी हो गए हैं, फिर हम भी खाना वाना खाएंगे। तो भाई सेकंड खुशखबरी हमें मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ब्लॉग क्लास में आपको बताने वाले हैं कि भाई खुशखबरी क्या है, और बहुत अच्छी खुशखबरी है, और लास्ट में मिलते हैं आप लोगों को, मीन जैसे ही हमारी लाइट आती है। और कराची में इतने ज़्यादा मसले हैं गाइस, मैं जैसे शावर लेकर बाहर निकली और यहाँ लाइट जा चुकी थी, क्या करते हैं हम ना अंधेरे में जाके जो है ना यू नो बिरयानी की वीडियो बनाई है, बिरयानी रेडी होने वाली है, बस दम पे लगी हुई है, और लाइट चली गई थी। मुसीबत ये है कि सारी लाइट ही चली जाती है यहाँ पर कराची में, टाइमिंग बन गई, पहले जाती नहीं थी, अब इतनी जाती कि बस ना पूछो, कुछ भी नहीं पता। तो भाई अभी जो ना हमारा दम लग रहा है चावलों में, तब तक के लिए आप लोग वेट करें, हम लोग मिलते हैं आप लोगों को दस्तरखान पे, जब तक कि हमारी बिरयानी रेडी हो रही है, क्या सीन है वो भी देख लेते हैं। खुशखबरी है जी, हमारे घर जो है ना एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग कल रात से जो है ना हॉस्पिटल में थे, और अभी अभी हम घर आए, तो खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, खुशखबरी में क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो भाई हम लोग जो है ना दुआ यही कर रहे हैं कि भाई लड़की हो, क्योंकि डॉटर इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, तो बस यही दुआ है कि भाई हमारे यहाँ जो है ना एक बेटी, मतलब और अल्लाह की रहमत आ जाए। तो भाई अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे घर एक और बहन आ जाए। तो भाई हम लोग लास्ट पे सीन बताने वाले हैं कि क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ठीक है जी। तो जो सीन्स होते हैं हम आपको बताते हैं, और हमारे यहाँ कौन सी खुशखबरी आने वाली लड़का या लड़की की, तो आपको वो भी शेयर करने वाले, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।